मेरे नबी दे पाप दा ईमान तकड़ी ते तोलण गए। चंगे चंगे बदे आखन गए हुजूर दे वालदैन कलमा नहीं पढ़िया, उन्हां दा ईमान ते खात्मा नहीं होया। ते बड़े बदे आंदे ने गल्लां आंदे ने आ बातां, बड़े बड़े बंदे आंदे ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे आंदे ने कि जी नबी पाक दे वालदैन जन्नत विच नहीं जाणगे। मुलाजम हुसैन डोगर होश हवास नाल आंदा, जे नबी दा मां बाप जन्नत विच नहीं जाएगा ना, फिर किसे दा मां बाप भी जन्नत विच नहीं जाएगा। नबी दे वालदैन आले इब्राहिम अच्छे लोग सब चुनते। मैं सब तो पहले तो शुक्रिया अदा करना जिले के DPO साहब का, बड़े अच्छे इंसान ने, आशिक रसूल ने, उन्होंने सानू इजाजत दी है मुकामी SHO साहब का। तो हूँ मैनू इतने पुलिस वाले भरा मिले तो एक आख्या कि मैं काम पुलिस में करना तो मैं सैयद हाँ, तो कोई मेरे नाने बाबे की गल दसी हो। मैं बड़ी खुशी इस गल की, मैं इतने एक गल तुम समझा लवान थोड़ी जी, फिर पिछे चलना। ये कुछ साल हो गया, एक मैं हूँ शहर में मकान बना लिया, पहले मैं दिहाती सूँ असी बकायदा शहरी हाँ अलहमदुल्ला। वो जो मैं शहर गया ना तो जिथे मेरी मकान का एवं पेठे ना इधरों एक पिठ टक्कर दी है, मूँह एडा इधर है मूँह इधर है, साड़िया पिठा टक्कर दी, तो जो इधर बंदा रहा ना वो ए कटे रही बोलो भी सही ही। मैं आखिर भी अथे रही बोलो दुकान से खुले जिन्हे लगा दे पर छे जान दे नवे नवे नोट दे सुन भी ला पुत्र सुन ला चाणा बन के बैठी जा उत्ते बैठा तेरा बंदा ठीक होके पवे बंदे तुम वे दिन पै कोई गल नहीं ये तुम अपने काबू करो मैं जो लैने जी लै लग बचा अपने तजर्बे की बिना चक्कर मैं हाजी बड़ा दिता भी बड़ा कुछ हो जाएगा मैं मैं बड़ा अरसा हो गया मेरे मैनू फड़ा तो फिर जो कुछ होगा देखी जाए मैनू की चक्कर पै दिता मैं बुढ़ा हो गया दाड़ी चिट्टी है एवं रगवाना दूजे दिन ताकि दुश्मन उसका बुढ़ा ना लगे मैनू कोई दा मारेगा तो कोई हीरो ही मारेगा तो मैं इतों व्डा होगा गला समझो थोड़ी मेहरबानी है तार ना तोड़ो देखो ना सारा काम खराब हो जाता है सिर्फ तुहाडे गलत बोलने की वजह मैनू खुलण दिओ नुक्ते ने इहनू कढण दिओ जरा बाहर माशाल्लाह फिर असीं इकट्ठे हो जांदे किस वेले नमाज पढ़न वास्ते किस वेले किराने की दुकान पर मैं हकीकतां ना उहदी तारीफ करना वह बंदा जिद्दी नहीं जिद्दी बंदा चंगा नहीं बंदा होवे ना मनण वाला भावें दुश्मन भी होवे उहदे नाल दुश्मनी का भी सुआद है जिद्दी बंदा भावें बंदे का प्यो भी होवे फिर मेरा ख्याल है बेहतर है कि अब्बा जी तशरीफ लै ही जा जिद्दी बंदे नाल मजा ही कोई नहीं चस नहीं वह जिद्दी नहीं गल एक दिन असं दोवे बैठे इस मौजूद की गल हो गई मैनू आता डुगरा तकरीर बहुत अच्छी करना तेरी वजह से शहर का नाम पूरे मुल्क मशहूर है असं तेरा एहतराम करने हालांकि असं तुहाडे नहीं लेकिन तेरी इज्जत करनी है तू बहुत दिल बंदा है लेकिन आज जो तू आंदा नबी दे वालदैन जन्नत जाणगे जो हुज़ूर नबुव्वत का ऐलान किया वालद है मैं क्या नबुव्वत का ऐलान तो 40 साल तो बाद साइया फरमाया जो सरकार की दुनिया से तशरीफ आवरी हुई है ना उदू 6 महीने पहले आका दे वालदे मुहतरम ज़ाहरी तौर तशरीफ लै गए साल मैं क्या ठीक है माई मैं 6 साल की उम्र सी माई भी चली गई नबुव्वत का ऐलान 40 साल तो बाद हो जा मैं आता फिर वह जनती किमें कोई दलील दे मैं क्या जो फर्ज किया दलील देवा भी सही तो फिर मनेगा उस आप एक मुनसिफ रख लें तू भी गल अपनी कर मैं अपनी करना मुनसिफ फैसला करेगा मैं क्या मुनसिफ कह कह लगे मुनसिफ फलाना अलामा साहब मैं क्या जो अलामा लोग वालदैन नहीं मानता मैं उन्होंने अलामा ही नहीं मानता वो कहता अलामा भी जो नबी के वालदैन ना मने मैं आता फिर दस तू दस तेरे से मुक्की ये मुनसिफ कौन लगेगा मैं क्या जे तू नहीं खिलौंदा ना गल्लां आपां दोवें भरा करांगे ते अपनी मुनसफी मुकाएगा शहीदा दोधी कदी मर गया बरेलवी याद करोगे भी साडा कि डोगर हुंदा सी ते मिसालां दे के गल्लां समझांदा सी तुहाडे इज्जत कराण वास्ते मरना जरूरी है मेरी गल जरा ध्यान नाल सुनो मैं कहा शहीदा दोधी मैनू आंदा तेरियां फिर गल्लां ना गईयां होया ते डोगर दा डोगर शहीदा दोधी मसले आंदे ना उहनूं ते दुआ करूत नहीं आंदी मगर ना आवे अगर जनाजे की दुआ नहीं आती मैं ना
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਲਮਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੀਟਾ ਦੁੱਧ ਲਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਲਮਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤੇ ਕਲਮਾ ਵੀ ਇੰਜ ਪੜਦਾ, ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੈ। ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ 3 ਕਿਲੋ ਦੇ, ਉਸ 3 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਐਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਵੀ ਛਿਦਿਆ 5 ਕਿਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਪੰਡਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜਾਂਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਤਨ ਤੇਰਾ ਭੈੜਾ, ਬਰਤਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਖਰਾਬ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਾਨ ਸਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੀਤਾ ਦੁੱਧ, ਅਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਸਕੇ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਾ ਦੁੱਧੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਦਾ ਬਰਤਨ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਕੀਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੱਗਿਆ ਲੈਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬੇ ਇਸਮਾਈਲ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪਾਕ ਆਏ, ਜਨਾਬੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਇਸਮਾਈਲ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਆਂਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਮਾਰਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਕਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਐਸ ਬਸੀਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਿਬੁੱਲਾ ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਾਦਮ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਜਮਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੇਸ ਟਾਲਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੀਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਅਰਫਾਨ ਮਸ਼ਦੀ ਦੀ ਦੇ ਛੱਡਾ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਆਉਲਾ ਕਾਦਰੀ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਸਾਂਗਲੇ ਲਾਲੇ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਡੋਗਰਾ ਤੇਰੀ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦੇ
जिन्हें अबे की शान भरी हो अजे तक कोई मां की शान दियां सीढ़ां ट्रैक्टर से लग गई और जिन्हें बंदे मां की शान भरी है ना उन्हें एक एक बारी मां कुटी जरूर है मोटरसाइकिल अगर अबे लैके दिता ना 70,000 का मुंडे ने उदो लिखाया सब मेरी मां की दुआ है। अच्छा अबे की उदो दुआ होगी जो टिकेगा दरवाजा भी अज उदो होगा जो मां के पैर भी चूमेगा अबे का हिजाब भी करेगा। मां की शान बयान करना मरे अबे का जुर्म की अबे के लड़के का झगड़ा कर लिया अबे के लड़के की बुराई कर लिया तो बयान कर तेरा यार बेली आ जाए तो तू ठंडा चलेगा कि माशाल्लाह गर्म चलेगा पेप्सी पिएंगे कि मरिंडा पिएंगे। प्यो दा बेली आ जाए तू सलाम भी ना करे जलीला याद रख ले जदों प्यो दे बेली नू सलाम नहीं करेगा तेरे अब्बे दे दिल विचों जिहड़ी बदवा निकलेगी ना तेरा कख नहीं रहना तू दुनिया ते जलील होके मरेगा। जे अबे दे बेली नाल भी सलाम करेगा ओहदे कलेजे विच ठंड पै गई ते दुनिया दे किसे मैदान विच तेरी कोई गंड लाने वाला जम्मे को। नौजवानों मेरे नाल प्यार कर दियो ते बंदे दे पुत्तर बनो अपने मां बाप नाल सुलह कर अपने मां बाप दी बारगाह विच बैठ अपने अबे दे कदम चूम अपने बापे कोलो मशवरे ले अपने बाप दी इज्जत कर तू अपने बाप दी इज्जत करेगा बहन भी तेरा हया करेगा तेरी औलाद भी इंशाल्लाह तेरा हया करेगा। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਡੋਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਓ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀਓ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਾ। सब तो पहले ते दीन दी चोरी करनी है धीआं नूं लावारस कर दे ते जे कियामत वाले दिन नबी ने पूछ लिया भी मेरी आमद तो पहले धी की इज्जत ही नहीं सी धीआं की इज्जत मैं कराई तू कि शरीयत के मुताबिक धी नूं लावारस किया उदों तैनूं भजदे नूं राह नहीं लभणा नबी का चोर बनेगा। दूसरा नंबर जेड़े बंदियां ने पुत्रां दे नां जदाद कराई है मैं उन्हां बाबियां नूं भी जानदा जेड़े बाबियां दे नां जदाद है मैं उन्हां नूं भी जानदा जिन्हां दे नां जदाद है ना 18 वारी मुंडे आके पुछा बे तू रोटी नहीं खाधी थोड़ियां सेवियां पका दईए दुध विच मैं नहीं खानियां मैं आखो बोदलियां दे अबे नूं की होदा कहे दे नां किल्ले ने मगरों तो पहले मुंडे ने आखे अब्बा फिर मझा आले कोठे दे सामने मंजी डाला चोरा कारी बड़ी है अब्बा भी फिर उठे पे आखा मेरे को बगैर मझ नहीं मिलती चिट्टी दाढ़ी हो गई है तैनू अल्लाह इस वास्ते भेजा सी मझ ही चौदा रहे तेरा और कोई कम नहीं सी दुनिया ते आंदा तेरे हाथ सामने मिन्नत ना करदा तेरे मरण तो बाद जीदा हिस्सा आपे कब जाएगा तू शरीयत दा चोर होके ना मर तैनू नबी दा नाम अपनी जिंदगी भी टोर नाल गुजार ते नबी दी शरीयत दा चोर भी ना बन। गल किथे सी अपनी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम आखिया या अल्लाह जे मैनूं इजाजत देवे ते मैं पुत्र आले पासे इक फेरा मारा लवी गल जरा ध्यान नाल सुनियो ऐन मुमकिन है अखां च आंसू ना भी आण ते दिल रो पैणगे जरा सुकून नाल सुनियो फिर दरूद ओ सलाम पढ़दे ममूली जा भाई दी जान आवाज एवें ममूली जिही उच्ची कर दिओ जरा एवें ममूली जिही अल्लाह तैनूं खुश रखे। अजीज़ा ने गिरामी
तेरे ते मेरे प्यारे पैगंबर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे दादा जान हजरत जनाब इब्राहिम पाक सवारी दे उत्ते बह के जदों चलदे चलदे उस मकाम उत्ते आए जिथे अज खाना काबा बैतुल्ला शरीफ है, आके आवाज दिती इस्माइल। उलमा फरमाउंदे ने इस्माइल घर कोई नहीं सी, आप दी घरवाली ने जवाब दिता बाबा जी इस्माइल घर कोई नहीं। फरमाया बेटा किथे गैन, कहन लगी बाबा जी मैनू किहड़ा दस के जांदे ने, मैनू कोई पता नहीं किथे गैन। फरमाया बेटा तुहाडा गुजारा किवें हुंदा है, कहन लगी बाबा जी पता नहीं मापिया ने की वेख्या ते कैसे बंदे दे लड़ ला दिता, मैं ते अपनी जिंदगी कोलों बड़ी तंग हाँ। एक टाइम दी हुंदी है, दो दो टाइम खाण पीण वास्ते शह कोई नहीं लभदी, मैं ते बड़ी तंग हाँ, बड़ी आवाजार हाँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा इस्माइल कदों आउणगे, कहन लगी बाबा जी मैनू किहड़ा दस के गैन, मैनू कोई पता नहीं कदों आउणगे। यानी गिला कीता, शिकवा कीता, बाहर दोस्तां ने मोहतरम बगैर हौसले तो बात कीती। हजरत इब्राहिम नबी दे अखां चों आंसू आ गए, रो के आंदे अच्छा बेटा जदों मेरा इस्माइल आवे उहनू मेरा सलाम देवी। ते नाले आखी एक बाबा जी आए सी, नाले सलाम दिंदे सी ते नाल आंदे सी ये चौकट तब्दील कर दे, ये औरत मुहम्मद मुस्तफा दी दादी बनन दे काबिल ही कोई नहीं। उन्हें गल की कीती ये भी इस्माइल दा पता नहीं कदों आएगा, ते एक टाइम दी लभ दी है जे दोलो टाइम बोलो, यानी ना शुक्री कीती ना। जदों फिर ना शुक्री ते आ जान तुहानूं हुण मैं किहड़ियां गल्लां दस्सां, आप सियाणे हो। मुंडा हो जाए ना जदों 7-8 सालां दा, उदों मुंडे नूं अखे सामने करके धमकी दवा दिंदी है घर वाले नूं, मेरा वड्डा हो लवे। जिहड़े बोले हो माशाल्लाह तुसीं सुणी है ना कदे ना कदे, आंदियां नहीं मेरा वड्डा हो लवे, थोड़ी जी गल होवे ते मुंडे नूं क्या दसणा। हमसाया कोलों पुछ लै मैं कोई एदा दी सा, मैं जो आई सा तो मेरी शादी हुई सी, मैं कोई एदा दी सा, मैं तो चंगी भलाऊं दी सा ते ऐस शिमर दे मत्थे लगी आ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਮਸਾਇਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਮਨ ਤੇ ਭਵੇਂ ਨਾ ਮਨ, ਅੱਜ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਘਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਕਾਬੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲੱਭੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲੱਭੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਉਮਤੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਿਗਰਾਮੀ ਜਦੋਂ ਇਸਮਾਇਲ ਆਏ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਜ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ਰ ਥਾ ਯਾ ਕੇ ਮਕਤਬ ਕੀ ਕਰਾਮਤ ਥੀ, ਅਰੇ ਇਹ ਫੈਜ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ਰ ਥਾ ਯਾ ਕੇ ਮਕਤਬ ਕੀ ਕਰਾਮਤ ਥੀ, ਸਿਖਾਏ ਕਿਸਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਕੋ ਆਦਾਬ ਫਰਜ਼ੰਦੀ। ਇਕਬਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੋਂ ਕੀ ਨਾ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਵੋ ਦੁਨੀਆ, ਯਹਾਂ ਮਰਨੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਹਾਂ ਜੀਨੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬੇ ਇਸਮਾਇਲ ਪਾਕ ਘਰ ਆਏ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਫੇਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਪਾਕ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਚ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਸਮਾਇਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਆਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸਮਾਇਲ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ,
फरमाया बेटा कितने गए? फरमाया बाबा जी शिकार वास्ते गए। बेटा गुजारा किवें हुंदा? कहन लगी बाबा रिज़्क रोज़ी अल्लाह दे वसे, कदी घट लभ जांदा कदी वध लभ जांदा, लेकिन मेरे जैसी मुकद्दर वाली औरत इस वक्त अल्लाह की कायनात में कोई नहीं। नबी आंदा तैनू की है? कहन लगी मैं एक नबी की बीवी हाँ, ज़ियारत मैं नहीं की, मेरे घर वाले दसिया मेरा सुसर भी अल्लाह का नबी, मैं नबी दी बीवी भी हूं ते नबी पाक दी ये गल्ला दे नबी दी ना दा दर्जा भी रख रही हूं नीचे उतरा सवारी तो। जनाब इब्राहिम फरमा मैंने इजाजत नहीं। कह लगी चलो सवारी ते बैठे रहो, मैनू इन्नी इजाजत दे दियो, मैं घरों पानी ले आवा, तुसी सफर बड़ा लंबा कीता, मैं तुहाडा वजू करा दियां, तुहानू सुकून लभ जाएगा, मैनू सवाब लभ जाएगा। उलमा फरमाते नबी इजाजत दित्ती, बच्ची अंदर गई, एक बर्तन च पानी ले आई, एक खाली बर्तन लैके आई, खाली बर्तन कदमा थले रखिया, पहले सज्जा पैर धोता, पानी जमीन उत्ते नहीं डुलन दिंदी, पानी बर्तन में जमा, पहले सज्जा धोता फिर भी सज्जा ही धोता, ये मेरा अकीदा। नबी दे हाथ भी दोवें सज्जे होंदे ने, पैर भी दोवें सज्जे होंदे ने, ये खब्बा सिलसिला तेरे मेरे नाल हुंदा है, नबी दा ते सज्जा भी सुभान अल्लाह ते दूसरा फिर वह भी सज्जा ही होया करदा है। जदों सारा पानी बर्तन पर बेटा पानी बर्तन में जमा क्यों किया? कह लगी बाबा जदों दे मेरी होश संभली है, मैं एडा नूरानी चेहरे वाला बाबा अगे नहीं तकिया, बाबा मैनू तेरे चेहरे का नूर दसदा है, तू अल्लाह का कोई खास ते मकबूल बंदा है, बाबा मेरे घर के अंदर किसी शह की कमी कोई नहीं, सिर्फ औलाद की कमी है, बाबा मैं तेरे पैरों के पानी के बर्तन में जमा इस वास्ते किया है, बाबा तुसी तशरीफ लै जाओगे, इस पैरों के पानी के छिट्टे मैं अपने बेड़े में मारागी, अल्लाह तेरे पैरों के पानी की बरकत दे नाल तेरे मेरे रिज़्क में भी इजाफा करेगा, मेरे औलाद में भी इजाफा करेगा। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा राज दसण का कोई नहीं सी, गल खोलन की कोई नहीं सी, लेकिन तेरा हौसला इतना बुलंद है, मैं बड़ा राजी होया, पुत्र जिहड़ा तेरा सुसर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मेरियां ज़ियारतां कर लै, मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाँ, पर बेटा जिथों तक औलाद का तलक है मैं नबी होके वादा करना, एक इंज का टाइम आएगा मुहम्मद की दादी भी तू बनेगी, अली की दादी भी तू ही बनेगी। कीता साडा बहुत अच्छा है, एक बार सारे शुक्रिया अदा करो आपको अल्हम्दुलिल्लाह। यानी असी जिहड़े अहले सुन्नत आ साडे विच तारी मुन्ने बंदे हैं, बेअमल हैं, बेनमाजी हैं, किरदार दे पैड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा कीता है, क्योंकि असी किसी के गुस्ताख नहीं, किसी के बेअदब